এ আসছি, টাটা টাটা। তো ফ্রেন্ডস, আবি হাম ইয়াহা সে নিকল যা রহে হে কলকাতা কে লিয়ে। তো মেরে পাস হে R15 V3, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजिस प्रोफाइल। तो आज हम थोड़ी काम के लिए कलकत्ता जा रहे हैं। तो मेरे साथ है R15 V3 और V3 का ओनर खकन भाई। तो सोचा एक वीडियो बना ही लेते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से V3 चलाया नहीं है और वीडियो भी नहीं आ रहा है। तो चलो, अभी तो मैं धूलागढ़ टोल क्रॉस करूँगा और मोटर ब्लॉग को इन्जॉय करो। आप लोगों से बहुत दिनों से बातें नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत बातें करते करते कलकत्ता जाते हैं और जो काम है वो निपटाते हैं। हाँ तो गाइस, हमें बहुत ही जल्दी कलकत्ता पहुंचना होगा, क्योंकि टाइम हमारे हाथ में बहुत ही ज़्यादा कम है और हाई रोड में अभी बहुत ही ज़्यादा इधर उधर करके हवाएं चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा विंड ड्रैग हो रहा है। उसके ऊपर जो रोड का जो ट्रैफिक है रोड में बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं ट्राई करूँगा थोड़ा बहुत गाड़ी को खींचने का, जल्द से जल्द कलकत्ता पहुँचने का। तो और मेरे जो मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो चुका है, इसीलिए आप लोगों को विंड नॉइज़ ज़्यादा आएगा, तो इसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल लेता हूँ आप सबको। तो चलो गाड़ी को थोड़ा बहुत खींचते हैं। मजे कर करके रोड क्रॉस कर रहे हैं। अरे भाई, ये रोड है, पार्क नहीं। तो आज गुरुवार है यानी फ्राइडे। तो भाई साहब तो यही साइड में जा रहा था यार, क्या करूं। और यहाँ पर इसीलिए मार्केट बैठा हुआ है, जिसको हाट कहते हैं बंगाली में। तो इसीलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा लोग का भीड़ हुआ है। तो कोविड के टाइम में इतना ज़्यादा लोग एक साथ नहीं रहना चाहिए, उसके बावजूद भी क्या करें यार, मेन रोड के ऊपर जो हाट बैठता है और ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है यहाँ पर, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है यार। भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना आज, तो गाड़ी को सिर्फ इधर उधर करके लेके जाना पड़ रहा है, रोड तो खाली ही नहीं मिल रहा यार। और R15 का पोस्टर आप जानते ही हो, मेरा हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है यार। तो यहाँ से हमें जाना पड़ेगा लेफ्ट। हो रहा है पर ज़्यादा मैं लीन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इस तरह का जो गाड़ियाँ है ना, छोटा हाथी टाइप, वो लोग मिडिल के रास्ते के मिडिल से जा रहे हैं, पर बहुत ही स्लो टाइप में जा रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ही खतरा रहता है। तो जो भी लीन करोगे स्टैंडिंग पे बहुत ही संभल के करना पड़ेगा यार, करना। तो बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आया मेरा, तो मैंने बनाया भी नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम का इशू चल रहा था। तो नया नया जॉब में इंटर कर चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे टाइम अरेंज करने में। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना ब्लॉग मैं बनाने की कोशिश करूँ आप लोगों के लिए। और आप लोगों से भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो मुझे, और मेरा ऑलमोस्ट 500 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गया, और बाकी जो 1K तक पहुँचने का प्रयास मैं जारी रखूँगा, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है।
और आप लोग मेरा वीडियो में बहुत ही अच्छा प्यार दिखा रहे हो, इसीलिए रियली थैंक्स। देखो एक बार लेफ्ट साइड में भाई, कितना सारा सुपर बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये देखो जॉय बाइक्स पॉइंट और सुपर बाइक्स, तो बहुत ही अच्छा। तो इच्छा है कब इस शोरूम में घुसूंगा और एक बाइक खरीदूंगा। जस्ट जोकिंग। तो ऊपर वाला दिन देगा तो सब कुछ होगा यार। तो फिलहाल रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो वेलकम टू सेकंड हुगली बीच। तो कितना सारा गाड़ियाँ चल रहा है देख सकते हो आप लोग, पूरा भरा हुआ है। वो जो लेन है ना आने का, पूरा भरा हुआ है गाड़ियों से। तो हम भी जा रहे हैं ब्रिज से, एक ठंडा हवा का एहसास हो रहा है यहाँ पर। तो मैं जितना बार भी आता हूँ अच्छा लगता है यार। आप लोगों को कैसा लगता है ये सेकंड ब्रिज, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार। बहुत से दोस्त मेरा देख रहे हो बाहर से, कलकत्ता के बाहर से, तो वो लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ एक बार आके जाओ इस ब्रिज से, और दोनों साइड का जो नज़ारा है एक बार देख के जाओ भाई साहब, क्या खूबसूरत लगेगा यार। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करके चलते हैं। तो दूर में दिखाई दे रहा है विक्टोरिया मेमोरियल। भाई यहाँ से ना इस ऊंचाई से हर एक चीज़ दिखाई देता है कलकत्ता का। वो दिखाई दे रहा है F-42, हम उसके ही पास जाएंगे, 42 के पास ही जाएंगे। तो चलो जाते हैं। भाई साहब ये क्या गाड़ी है यार, बेंटली V3, वाह वाह वाह। तो भाई साहब कितना गाड़ियाँ जा रहा है यार, देखो एक बार ट्रैफिक सर्जेंट का कंडीशंस, कितना मेहनत करते हैं ये लोग। सब लोग बुरा नहीं होता भाई, इनका भी मेहनत करना पड़ रहा है यार, पड़ता है इन लोगों को। गर्मी में जो हालत रहता है ना रास्ते का, क्या कर रहा है ये लोग यार, ट्रिपल कैरी करके ये कैसा गाड़ी चला रहा है। इन लोगों का नया गाड़ी लेके इतना कुछ कर रहा है। तो हमें पार्क स्ट्रीट ब्रिज पे नहीं चढ़ना है आज, क्योंकि हम लोगों को पार्क स्ट्रीट ब्रिज से नीचे से राइड में जाना है। तो यहाँ पर लोग रिलैक्स कर रहे हैं और हम यहाँ पर काम के लिए दौड़ रहे हैं। देखो तो ये वैलेंटाइन का महीना चल रहा है ना, इसीलिए आसपास में बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर परिया घूम रहा है। तो हम के लाइफ में कब वैलेंटाइन आएगा यार, देखो एक बार क्या देखेंगे भी आप। तो फिलहाल हम हमारे जो काम के जगह पर चले आए हैं और वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है, तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और हमारा काम निपटाते हैं। तो किसी टाइम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय। भाई पार्किंग ढूंढना पड़ेगा यार, पार्किंग कहाँ पर है।